नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में विवादित स्थल पर मालिकाना हक से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस ऐतिहासिक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। CJI अगले महीने 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। अयोध्या जमीन विवाद मामले देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है, मगर क्या आपको पता है कि इस विवाद की नींव कब पड़ी? अयोध्या में विवाद की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी, जब वहां मस्जिद का निर्माण हुआ। आइए आपको बताते हैं कि अयोध्या में क्या क्या हुआ और कब कब हुआ। दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1528 से। मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदुओं का दावा है कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पहले एक मंदिर था। उसके बाद दोस्तों, साल 1853 से 1949 तक क्या क्या हुआ। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह पर आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। फिर दोस्तों, साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं, हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में आपत्ति जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अब बात आती है साल 1950 की। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक में राम जी की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर दोस्तों, 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियों हटाने की मांग की। फिर दोस्तों, आगे 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986, यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिले जज के MD पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। फिर दोस्तों, 6 दिसंबर 1992, BJP, VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से हुए दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। दोस्तों, आगे साल 2017 तक यह बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। BJP के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुति की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। 40 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने बहुत चर्चित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोस्तों, यह थी पूरी अयोध्या जन्मभूमि की कहानी। अब दोस्तों, आज 10:30 बजे तक फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या वहां पर मस्जिद बनेगी या मंदिर। दोस्तों, चाहे फैसला किस तरफ भी आए, लेकिन हमारा देश एक ही रहना चाहिए।